नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ सीताकुंड। सीताकुंड मिर्जापुर जिले में स्थित है और मिर्जापुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अष्टभुजा के पहाड़ पर स्थित है और वही विंध्याचल से सीताकुंड लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे जो कि एक पत्थर है और पत्थर पर लिखा हुआ है सीताकुंड दूरी 100 मीटर। तो चलिए आपको चलकर दिखाते हैं आगे से भी नज़ारा, और देख रहे होंगे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और पहाड़ भी आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि आपको यह सीन दिखा रहे हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे एक छोटा सा मंदिर है जो कि काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर माना जाता है और इसी मंदिर में एक हवन कुंड भी बनाया गया है। और मंदिर के ही बगल में आप देखेंगे बहुत से पत्थर भी हैं। ऐसी मान्यता है कि बहुत से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर पत्थर से ही घर बनाते हैं और मन्नत मांगते हैं। तो दोस्तों ये बगल में आप देख रहे होंगे ये हवन कुंड है जो कि इस समय जल रहा है। तो अब चलिए आपको सीताकुंड भी दिखाते हैं। तो दोस्तों यह जो आप सामने देख रहे हैं यह सीताकुंड है और आप उसी के बगल में आप देख रहे होंगे जो कि बहुत से लोग हैं जो कि इस कुंड के पानी को पी रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का पानी औषधि युक्त है, यानी कोई भी रोग हो इसके पानी पीने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों बताते चले कि इसकी उत्पत्ति रामायण काल की है जब राम सीता और लक्ष्मण लंका से अपनी विजय के बाद लौट रहे थे। सीता को प्यास लगी किंतु आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था। तब लक्ष्मण ने धरती में एक तीर मारा और उसी स्थान से पानी की एक धारा फूट पड़ी। सीताकुंड एक सदाबहार सोता है। सीता का नाम जुड़ा होने के कारण यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। दोस्तों इस सीताकुंड की एक खास बात यह है कि इसका जल कभी नहीं सूखता है, और एक आश्चर्यजनक की बात यह भी है कि यह पानी कहां से आता है आज तक किसी को नहीं मालूम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और दोस्तों ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।